हेलो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। यूट्यूब में मेरी यह पहली वीडियो है। स्पेस साइंस में अधिक इंटरेस्ट होने के कारण मैंने वीडियो बनाना बस शुरू ही किया है, और आप सभी दोस्तों का सहयोग भी चाहिए जिससे कि मेरी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, इंटरस्टेलर स्पेस से आए हुए ऑब्जेक्ट ओउमुआमुआ में क्या खास है, क्या है, हम सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम जानते हैं कि ओउमुआमुआ किसी अन्य सौर मंडल से आया हुआ मेहमान है। ओउमुआमुआ का अंतिम दृष्टिकोण सूर्य के द्वारा आकर्षित किया गया था, किंतु ओउमुआमुआ ने सूर्य की ग्रेविटी को तोड़ मरोड़ दिया। क्यों नहीं, सूर्य के इतने नजदीक होने के कारण सूर्य से नहीं टकराया। क्या दूसरे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण पर इसे मिस करने के लिए सफिशियंट थे? और इससे भी बड़ी बात हैरान कर देने वाली है कि ओउमुआमुआ को देखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कैमरे का यूज किया, जिसमें 1400 मेगापिक्सल, जो कि 10 लाख पिक्सल का 1 मेगापिक्सल बनता है, और सामान्य मनुष्य की आँखों से 2.4 गुना पावरफुल कैमरा है। तो चलिए दोस्तों, हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ओउमुआमुआ हमारी हिस्ट्री का पहला अनबाउंड हाइपरबोलिक पाथ में चलने वाला पहला एस्ट्रॉयड है। 9 सितंबर 2017 को पहली बार कनेडियन एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट वेरिक ने ओउमुआमुआ को पैन स्टार टेलीस्कोप से देखा। ओउमुआमुआ शुरुआती समय में 1i/2017 यूएन के नाम से जाना गया। पैन स्टार ने जब इसे लगातार 34 डेज ऑब्जर्व किया, तो ऑर्बिट करने के आधार पर वैज्ञानिकों ने तय किया हमारे सौर मंडल का नहीं, इंटरस्टेलर स्पेस का हिस्सा है। इंटरस्टेलर स्पेस वह हिस्सा या दूरी है जहाँ ना तो तारे ना ग्रह, सिर्फ ग्रहों या उपग्रहों से अलग हुए ऑब्जेक्ट होते हैं जो इंटरस्टेलर स्पेस में चले जाते हैं और अदर सोलर सिस्टम में भटकते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ बातें पैन स्टार टेलीस्कोप के बारे में भी जान लेते हैं। पैन स्टार यूएसए में पैरानोमिक सर्वे टेलीस्कोप और रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम हवाई हलाकेला में स्थित है। 13 मई को दूरबीन क्षुद्र ग्रहों को आकाश में सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया। पैन स्टार में 1.8 मीटर यानी 60 इंच व्यास की दूरबीन उन वस्तुओं को आसमान में स्वचालित रूप से खोजने के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है जिसमें 1400 मेगापिक्सल हैं। आकाश के एक पैच की छवि को 40 बार बना सकता है। पृथ्वी का अंतरिक्ष में किसी भी समान आकार के टेलीस्कोप से बहुत बड़ा है। विशाल डिजिटल कैमरा प्रत्येक रात 500 से अधिक एक्सपोजर, 4000 टेराबाइट लगभग 1000 डीवीडी के बराबर डेटा को भेज सकता है। PS1 1 लाख एस्टेरॉयड और 5 अरब सितारों, 500 मिलियन गैलेक्सी को लिस्टेड किया। भला PS1 ऑब्जेक्ट ओउमुआमुआ जैसे ऑब्जेक्ट को कैसे इग्नोर कर सकता था? ओउमुआमुआ की खोज 19 अक्टूबर 2017 को हुई थी। 9 दिन बाद 9 सितंबर को सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु के रूप में देखा गया। जब यह पहली बार देखा गया तो अर्थ से 33 मिलियन किलोमीटर एस्ट्रोनॉमिकल में 0.22 सूर्य से दूर जा रहा था। अगर इसके आकार और आकृति की बात करें तो लाल रंग का छोटे से धुंधले आकार का दिखाई देता है, और इसकी ब्राइटनेस में लगातार अंतर आ रहा था, जैसे कि इसकी बॉडी में लगातार पोजीशन में बदलाव हो रहे हैं, जो कि एक सिगार के आकार का, और 7.2 घंटे में एक बार स्पिन करता था, जिसकी लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 400 मीटर। ओउमुआमुआ के पास किसी भी प्रकार की पूंछ नहीं थी, शायद पत्थर या किसी मेटल का बना होगा। इसी कारण सूर्य की हाई रेडिएशन से भी सरफेस में कोई बदलाव नहीं आया। खास तौर पर सौर मंडल के सारे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसके सर्कुलर ऑर्बिटों को ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी द्वारा नापा जाता है। हमारे सौर मंडल के सारे पिंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिट करते हैं। खास तौर पर सौर मंडल के सारे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसके सर्कुलर ऑर्बिटों को ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी द्वारा नापा जाता है। हमारे सौर मंडल के सारे पिंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिट करते हैं। इलिप्टिकल वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। पृथ्वी की एक्सेंट्रिसिटी
0.0167 लगभग सर्कुलर है। होली कॉमेट्स का एक्सेंट्रिसिटी अधिक होने के कारण स्लिप हो जाती है। एक्सेंट्रिसिटी अधिक रखने वाले ऑब्जेक्ट अनबाउंड हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करते हैं। एग्जांपल, रबड़ के एक गोल छल्ले को दो सिरों से पकड़ के खींचने के बाद जो आकार मिलता है उसे अनबाउंड हाइपरबोलिक पाथ कह सकते हैं। ओउमुआमुआ की एक्सेंट्रिसिटी 1.2 थी, जिससे कि पैराबोलिक स्केप ऑर्बिट में स्थित कोई भी पिंड सौर मंडल से सूर्य की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा, जिससे कि हाइपरबोलिक गति के कारण पृथ्वी मंगल बृहस्पति 2019 में सन के आगे निकल गया। तो आइए दोस्तों, ओउमुआमुआ ने सूर्य की हाई ग्रेविटी स्केल को मिस करते हुए कैसे पार किया? तो इस सवाल का जवाब यह है कि इंटरस्टेलर स्पेस टारगेट से फेंके जाने वाले ऑब्जेक्ट के साथ ग्रेविटी कितनी बड़ी दूरी पर काम करता है। ऐसा इसलिए है कि हम सभी पृथ्वी के केंद्र पर समान दूरी पर रह रहे हैं। यदि कोई अन्य फोर्स हमारे पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को बदलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल बदल जाएगा। इसीलिए यदि आप किसी भारी वस्तु के बीच की दूरी को दुगुना कर देते हैं तो ग्रेविटी के चौथाई भाग की कमी आ जाएगी। यदि आप गति करते रहते हैं तो दूरी फिर से दुगुना हो जाती है, तो आपकी पहले ही सीमित गुरुत्वाकर्षण बल को एक बार फिर चौथाई भाग में काट दिया जाता है। पृथ्वी की ग्रेविटी का इफेक्ट आसपास के स्थान पर एक छोटी सी गड़बड़ी के कारण काफ़ी तेजी से कम हो जाता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है, सौर मंडल के पैमाने पर सूर्य के द्रव्यमान से पृथ्वी का द्रव्यमान मूंगफली की भांति है। बृहस्पति पृथ्वी के द्रव्यमान से 300 गुना अधिक है, लेकिन बृहस्पति की तुलना में सूर्य 1000 गुना अधिक विशाल है। अगर हम आकाशगंगा में तारों के बीच की दूरी के साथ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण डिस्टॉर्शन की तुलना में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत तेजी घटता हुआ कम हो जाता है। इसी कारण सितारों के बीच विशाल रिक्त स्थान के मीडियम में ओउमुआमुआ की यात्रा मेजोरिटी के लिए हमारे सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल का उस दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। ओउमुआमुआ सूर्य पर सीधे यात्रा कर रहा था। सूर्य की ग्रेविटी के फोर्स ने इसे गति देने के लिए बस सेवा की होगी। गुरुत्वाकर्षण बल विशेष रूप से मजबूत था। ओउमुआमुआ थोड़े समय के लिए मजबूत गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ी के इस क्षेत्र या फील्ड में था। यही एक कारण हो सकता है कि ओउमुआमुआ सूर्य से नहीं टकराया। सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल को मिस करते हुए 87.3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पेगासस कंस्टेलेशन की ओर चला गया, जिससे कि वेगा के सौर मंडल तक पहुंचने में 600,000 वर्षों का समय लगेगा। और बहुत ही जल्द नेक्स्ट ईयर नेपच्यून ग्रह को 2022 में पीछे छोड़ देगा। और बहुत ही जल्द पेगासस कंस्टेलेशन जाने के रास्ते निकल जाएगा। फिर भी दोस्तों, हम ओउमुआमुआ के बारे में काफ़ी खास तो नहीं जान पाए, पर भविष्य में आने वाले ऐसे सिगार के आकार के आकृति को बेहतर तरीके से जान सकेंगे। और अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी सक्षम नहीं है बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, किंतु भविष्य में ज़रूर कर पाएंगे। गाइज, उम्मीद है कि मेरी पहली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मुझे और अच्छे से वीडियो बनाने का इंस्पायरेशन मिलेगा। बाय बाय, गुड बाय दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।